फ्रेंड्स, मैं हूं सिनेमा आजकल और आज मैं आपको बताऊंगा हिमेश रेशमिया के 10 रिजेक्टेड सॉन्ग जो बाद में जाके ब्लॉकबस्टर बने। जी हां, हिमेश की ये 10 सॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन हिमेश अपने सॉन्ग को कहीं और चला दिए और वो खुद भी नहीं जानते थे कि ये सॉन्ग इतने बड़े ब्लॉक और ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग करता हूँ नीचे से ऊपर से, जैसा आपकी मर्जी है। चलिए आज करते हैं अपन नीचे से स्टार्ट, ठीक है। नंबर पर सॉन्ग है हिमेश का दर्द दिलों में कम हो जाते वाला गाना, जो था वो आपके सुरूर एल्बम का था, जो फर्स्ट जो आया था हिमेश का। उस एल्बम के लिए हिमेश ने कम से कम 40 से 50 सॉन्ग बनाए थे, जिसमें से टी सी रिज और भूषण कुमार जी ने करीब सिर्फ 8-10 सॉन्ग्स लिए थे, 8 या 9 सॉन्ग्स लिए थे, बाकी रिमिक्स कर दिया था। तो उसमें से काफ़ी गाने रिजेक्ट हुए और उस एल्बम में से काफ़ी गाने फिर बाद में जाके ब्लॉकबस्टर बने। उस वो भी सीरीज है, ठीक है, और अलग भी सीरीज़ है, ठीक है। 9th नंबर में था, 9th नंबर में है जो रिजेक्ट कर दिया गया था। ये फिल्म थी अपनी तेरी मेरी कहानी, जो बॉडीगार्ड में आया था। ये भी एक रिजेक्टेड सॉन्ग्स था हिमेश, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्यून चाइना की ट्यून है कॉपी, तो इस पर कोई गाना बनाना चाह नहीं रहा था, ठीक है। ये एक्चुअली हिमेश की भी ट्यून नहीं है, ये ट्यून है चाइना की, लेकिन फिर बाद में सलमान खान ने इसको लिया। हिमेश ने इसके पहले 2-3 लोगों को सुनाया था, टी सीरीज को भी सुनाया था, लेकिन बोले थे एल्बम के समय कि नहीं यार, तो चाइनीज ट्यून है, इसमें मज़ा नहीं आएगा, स्लो है, इस पर बाद में वर्क करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर इसको सलमान को दिया, तो और बॉडीगार्ड में ये एवरग्रीन मेरी भी आज तक की फेवरेट गाने में से ये है, ठीक है। और 10th 9 8वें नंबर पर है दोस्तों लॉन्ग ड्राइव पे चल 786 का गाना। ये भी हिमेश का, हिमेश की फिल्म अपनी हिमेश का आपका सुर एल्बम के लिए रिकॉर्ड मतलब बनाया गया था कि लॉन्ग ड्राइव पे चल। ये गाना आप सुनते ही आपको लगेगा ये एल्बम सॉन्ग है, पिक्चर का सॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आपका पिक्चर के सॉन्ग्स और एल्बम के सॉन्ग्स में फ़र्क पता चल जाता है कि कौन सॉन्ग एल्बम का है, कौन सॉन्ग पिक्चर का है, इतना आदमी को पता चल जाता है। ये एक्चुअली ये एल्बम सॉन्ग से इतना जो रिदम के साथ इतना स्पीडली और पंपी ट्रैक बनाया है, वो एज ए एल्बम क्लिक बनेगा। और फिल्म के लिए तो फिल्म के हिसाब से गाने बनते, लेकिन ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ लॉन्ग ड्राइव पे चल, ठीक है। दोस्तों आशिक बनाया आपने, ठीक है, ये सॉन्ग रिजेक्ट हुआ था हिमेश की पिक्चर तेरे नाम से। तेरे नाम से में भी सलमान हिमेश ने कम से कम 30-30 सॉन्ग सुनाए थे, उसके बाद उनके सॉन्ग्स लिए गए थे। 2 सॉन्ग साजिद वाजिद के लिए लिए गए थे, जो जोगिया और दीवाना तेरा मर जाएगा, बाकी 4-5 सॉन्ग हिमेश के लिए लिए गए थे। उसमें से हिमेश के 5-7 सॉन्ग काट दिए गए, जो हिमेश ने बाद में कहीं और चला दिया। प्रोड्यूसर को उतना डिमांड में नहीं था कि आप ये सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा है, आप रख लो, ठीक है, ठीक है। तो ये आशिक बना आपने पहले स्लो वर्जन में था, बहुत अलग था, उसको फिर हिमेश ने इसको रिक्रिएट किया और कुछ अलग किया, है ना। पहले कुछ और था, ये गाने को अलग करके फिर दिया अपना आशिक बना आपने, फिर यहाँ से तो वो गाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। पहले इसको कुछ कोई और गा रहा था, इसको उदित नारायण जी गा रहे थे, लेकिन ये अलग टाइप का गाना था, लेकिन जब बना तो अलग टाइप का बन गया, ठीक है। और सॉन्ग है जिसको चाइना टाउन का आशिकी में तेरी, ठीक है, मैं पूरा वर्डिंग नहीं कर सकता कि कॉपीराइट आ जाता, ठीक है। आशिकी में तेरी सॉन्ग भी बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आशिकी में तेरी सॉन्ग भी बिल्कुल अपना आपका सुर एल्बम का ही सॉन्ग था, वो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसके बीट उसके साथ जम नहीं रहते, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए था और बहुत अलग टाइप की ट्यून थी, तो वो उसमें जम नहीं रहते फिल्म का। तो लेकिन बाद में ये गाना अब्बास मस्तान को जम गया और उन्होंने अपनी फिल्म चाइना टाउन के लिए ये गाना ले लिया, ठीक है। 3rd सॉन्ग में देखो आफरीन तेरा चेहरा, रेड फिल्म का गाना आया था, इसमें भी ये आपका सुरूर का गाना था। ये 2 गाने आपके सुरूर के थे इसमें, ठीक है। एक तो था तन्हाइयाँ, वो भी इस फिल्म में है, रेड फिल्म में है, और आफरीन तेरा चेहरा, ये 2 का तन्हाइयाँ उसमें भी है, लेकिन उसको फ्लैश नहीं किया गया है, सिर्फ एल्बम में है, और आफरीन गाना तो रखा ही नहीं गया एल्बम में। तो ये 2 गाने, दोनों गाने हिमेश ने दे दिया आपको किसको, रेड पिक्चर में, और दोनों गाने तन्हाइयाँ, और ये दोनों ब्लॉकबस्टर हिट हुए, ठीक है। जो गाना है भाई तुम सांसों में, ये फिल्म था तेरे नाम फिल्म का गाना था, जो उस समय लिया नहीं गया था। बहुत से गाने रिजेक्ट हुए थे तेरे नाम फिल्म में, क्योंकि 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे उसमें, तो फिर बाद में फिर ये गाना फिर उसने दिया अलग चेंज करके मोड पे, अपने अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म हमको दिखाना कर गए कि सारे गाने एक साइड, और ये एक गाना। इस गाने के बाद तो आधी पब्लिक ही पिक्चर छोड़ दी, मेरे ख्याल से गाला गाने देख, हम लोग भी ये गाना आ गया तो बोले यार अब तो देख लिए यार, सब कुछ तो हो गया यार, अब चला जाए, बोला अब फिल्म में बाकी भी कुछ नहीं था ना,
बाकी गाने तो फिल्म से कोई मतलब नहीं, कि फिल्म कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब इसकी गर्लफ्रेंड है, वो किसकी बीवी होने वाली है, इन दोनों ऐसा फिल्म बनाते हो यार कुछ भी पक्के पर। और हिट कैसे, वो तो अक्षय कुमार का चार्म चल रहा था, कैटरीना इतनी बड़ी स्टार बन गई थी तो चल गई, नहीं तो ऐसी फिल्म आज के डेट में लगेगी तो छाएगा नहीं वो पिक्चर देखने, ठीक है। और एक नंबर का सॉन्ग बताऊँ जो हिमेश की लाइफ पूरा चेंज कर दिया और अभी तक का ब्लॉकबस्टर, और इससे दो सितारे बने, ठीक है, एक दीपिका पादुकोण फ्लैश बनी और दूसरा हिमेश भी एक नए रॉ लुक पे आए, वो है तेरे नाम का रिजेक्ट किया गीत, नाम है तेरा। बिल्कुल जी हाँ, ये तेरे नाम का की टाइटल सॉन्ग से मिला जुला था, जो लास्ट में एक वर्जन पे दिया जाता है, जो दोनों साथ जो मेरा छोड़ा कि नाम है तेरा तेरा था, वो एक्चुअली फास्ट वर्जन स्लो वर्जन में दोनों में था तो, लेकिन वो बाद में फिर अलग गाने को लिए, दीवाना तेरा मर जाएगा साजिद वाजिद के लिए, तुमने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, और इसमें था, लेकिन पहले ये गाना था तेरे नाम, नाम है तेरा तेरा दिल के सुख दीवारों पे, नाम है तेरा तेरा, तो बहुत अलग ट्यून दोनों, एक एक कव्वाली की ट्यून है, एक वेस्टर्न ट्यून है, तो फिर उस समय सलमान खान या फिर जो भी सलमान खान ने उस समय कव्वाली की ट्यून और साजिद वाजिद उनके खास थे, तो उनको भी दो गाने देना चाहिए था, तो उस बेस पर कट करिए, तो गाना ये भी था, लेकिन बाद में फिर टी सीरीज ने उठाया इसको, भाई इसको तो तू इसी को मरा गाना, फिर इसमें दीपिका लॉन्च हुई और दीपिका एज इसी के बाद फिर शाहरुख खान की फिल्म में लॉन्च हुई और आज दीपिका का गाना है। हिमेश रेशमिया के गाने ने बहुत स्टार दिए हैं, दीपिका पादुकोण हिमेश रेशमिया से आई है अपनी, और उसकी आपका एक गाना से वो भी आई थी, एक और जो आई थी, और बहुत से एक्ट्रेस हैं जो हिमेश रेशमिया के एल्बम से हिट हो के, फिर हनी सिंह के एल्बम से उर्वशी हिट हुई, एल्बम से हिट हो के फिर ये फिर स्टार बन जाते हैं, फिर ये अलग कहानी है। तो ये थे हिमेश रेशमिया रिजेक्टेड सॉन्ग जो बाद में फिल्मों में यूज़ हुए, कई एल्बम में यूज़ हुए और ये पाने ब्लॉकबस्टर हुए और एक नया इतिहास रचे। तो ये होते हैं दोस्तों गाने, गाने ख़राब नहीं होते, गाने अच्छे बनते हैं, बस किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते, सब अब अपनी पसंद की बात है, कहीं लगते हैं कहीं नहीं लगते। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर मेरे दोस्तों।